हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल वीडियो। आज इस वीडियो में करने वाला हूँ रिव्यू बजाज का आल बर्तन इंडक्शन का। ये आल बर्तन इंडक्शन है, स्टील हो, एल्युमिनियम हो या कोई भी बर्तन हो, ए टू जेड बर्तन इसमें सपोर्ट करेगा। ठीक है, एक आता है इंडक्शन बेस, जो कि केवल इंडक्शन वाला बर्तन उसमें सपोर्ट करता है, एल्युमिनियम वाला बर्तन सपोर्ट नहीं करता है। ये आल पर्पज है, जो कि 2023 में नहीं आता था, अभी हाल ही में लॉन्च किया है 2024 के स्टार्टिंग में। तो इसकी एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी है 7990 रुपया। आप देख सकते हैं 7990 रुपया एमआरपी है। किस रेट में मिलेगा, कितने दिन की वारंटी है, सक्सेज है या नहीं है, पूरा इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो पर लास्ट तक, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बताते हैं ऑल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक ग्लास मिल जा रहा है ऊपर पूरा, यहाँ पर मिल जा रहा है इसका बेस, जो ये बेस है इसके अंदर में हीट होगा, जो इतना बेस है जो हाथ रखे हैं इतने अंदर में एक ग्लास हीट होता है। एक ग्लास का मजबूती है 30 kg, इसके वेट आप रख सकते हैं। ग्लास बहुत ही मजबूत आता है, जो कि टूटता नहीं है। कोई भी चीज रखेंगे तो थोड़ा अस्थायी रखेंगे, ना कि झटका से नहीं रखेंगे। ठीक है, 30 kg वेट इस पे आप रख सकते हैं, 30 kg वेट तक ये सामान वेट इस पे रखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पकड़ने के लिए मिल जा रहा है हैंडल दोनों साइड में, और ये पूरा स्टील के आ जा रहा है। इसमें 1% चांस रहता है कि लाइट आने का। ठीक है, तो आप बेफिक्र रहिए, सोच रहे हो कि बहुत पहले आता था जो हीटर लाइट हो रहा था, वो बहुत ही समस्या हो रहा था उससे। ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है, जो कि ये काफी सेफ्टी है, जो कि इसमें लाइट आने का चांसेस 0% है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका बेस मिल जा रहा है, जो कि यहाँ से आप कम बेसी कर सकते हैं खाना बनाते टाइम। यहाँ पे मिल जा रहा है, देख सकते हैं, पावर ऑन करिए, प्लग लगाइए, प्लग लगाने के बाद से पावर ऑन करिए, ऑन करने के बाद से मैनुअल पर क्लिक करिए। ठीक है, मैनुअल पर क्लिक करने के बाद से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पे मिल जा रहा है डिस्प्ले, यहाँ के आप कम बेसी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं पावर ऑन करने के बाद, मैनुअल सेलेक्ट करने के बाद से। ठीक है, तो यहाँ से कम बेसी कर सकते हैं। ये 2200 वाट का है, यानी 200 वाट आपके यहाँ बिजली रहता हो तो ये आराम से चल जाएगा। तो काफ़ी मजबूत इंडक्शन है, बजाज का है, कोई लोकल ब्रांड नहीं है, ब्रांडेड कंपनी है। इसकी वारंटी भी मिल जा रही है, यहाँ पे लिखा है साफ साफ इसकी वारंटी, देख सकते हैं 2 ईयर की इसकी वारंटी मिल जा रही है, होम सर्विस मिल जा रही है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 1 ईयर वारंटी, सॉरी 2 ईयर नहीं, 1 ईयर की इसकी वारंटी है, होम सर्विस है। यहाँ पे मिल जा रहा है इसका वारंटी कार्ड, जो कि इस पे भी लिखा है साफ साफ 1 ईयर की वारंटी। यहाँ पे स्टैम्प भरवा लेंगे, जिस शॉप से भी खरीदेंगे, डेट वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ताकि आपको सर्विस में कोई समस्या नहीं आएगी। होम सर्विस है, कोई भी शिकायत आती है तो आपको होम सर्विस मिलेगा। इसकी ग्लास की गारंटी नहीं आती है, यदि ग्लास कभी डैमेज हो जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, तो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा। कंपनी का चार्जेज 1000 रुपया 1200 रुपया का लगता है। ग्लास का कोई गारंटी नहीं आती है, बहुत से इंडक्शन में ग्लास की गारंटी आती है, बहुत सी कंपनी में नहीं आती है। तो बजाज की ग्लास में गारंटी नहीं है, ये खराब हो टूटने के बाद से आपको अलग से लगाना पड़ेगा, या कस्टमर केयर के नंबर पर कॉल करेंगे तो वो भी लगा सकते हैं, उसका चार्जेस लगेगा। ठीक है, बाकी चीज़ का गारंटी है, खराब हो जाए, जल जाए या जो भी चीज़ हो जाए, आपको सर्विस मिलेगी 1 ईयर होम सर्विस, काफी परफेक्ट है। आप भी चाहें तो परचेस कर सकते हैं। बिजली का बिल इसमें 300 से 400 महीने का आएगा, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप कितना यूज करते हैं। लेकिन ये मैं बताऊंगा कि आप गैस का आपको 1000 रुपया महीने का लग रहा है, तो इसमें लगेगा 400 से 500 रुपया लगेगा, उसके आधे में ये बन जाएगा। इससे वैसे ही वर्क करता है जैसे गैस वर्क करता है। ठीक है, इससे कोई भी बर्तन सपोर्ट करेगा, चलिए स्टील एल्यूमिनियम या कोई भी बर्तन हो, इंडक्शन गैस हो या ना हो, सब बर्तन इसमें वर्क करेगा। यहाँ पर डिस्प्ले पे दिखेगा, और यहाँ पर मिल जा रहा है टाइमर, जो कि आप खाना बनाते टाइम टाइमर सेट कर देंगे, जितना टाइम 1 घंटा 2 घंटा 5 मिनट 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट, उतने टाइम के अंदर में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ये टाइमर पे आप सेलेक्ट कर देंगे, तो टाइमर सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से टाइमर पर क्लिक करेंगे, यहाँ से मिनट सेलेक्ट कर लेंगे, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक आप इसमें टाइमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफी परफेक्ट है। यहाँ पर मिल जा रहा है इसको आपको क्या चीज़ बनाना है, जैसे कि कोई आपको लिट्टी वगैरह लगाना हो, चोखा वगैरह बनाना हो, तो आप इसे बना सकते हैं, और रोटी वगैरह भी इसे सेक सकते हैं आप, मोटा रोटी पतला रोटी कोई भी रोटी आप सेक सकते हैं इसे। ठीक है, दोनों तरफ से आप इसमें वर्क में ले सकते हैं, इसके भी कोई चीज़ रह सकते हैं, और ऐसे भी रह सकते हैं, और ऐसे भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं। कोई चीज़ बार बार जल जा रहा हो तो उसको हाइट बढ़ा सकते हैं, नहीं जलता हो तो हाइट डाउन करके इसे रोटी वगैरह या टमाटर वगैरह चोखा वगैरह या लिट्टी वगैरह भी बना सकते हैं। इसको सेफ्टी के लिए दे रहा है, यहाँ पे इसको निकालने के लिए दे रहा है, इसको हाथ से नहीं उठाना है क्योंकि ये हीट होता है, ये आल बर्तन है, आल बर्तन ये हीट होगा,
इंडक्शन गैस वाला जो ओनली आता है उसमें हीट नहीं होता है, खाना बनने के बाद भी आप उसको रख देंगे तो ये हीट नहीं होगा, लेकिन ये आल बर्तन है ये हीट होगा, इंडक्शन गैस वाला नहीं हीट होता है। ठीक है, ये मिल जा रहा है दो से आपकी दो इसमें का आ जाता है जो कि काफी परफेक्ट है। आप भी चाहें तो परचेस करना परचेस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि सिर्फ टेक्नोलॉजी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।